पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एक जिला है, नाम है शामली। यहाँ का एक गांव खेड़ी खुश नाम इन दिनों चर्चा में है। दावा किया जा रहा है कि खुदाई के दौरान यहाँ से सोने और चांदी के सिक्के मिले हैं। हालांकि पुलिस जब मौके पर पहुंची तो गांव वालों ने इनकार कर दिया। लखनऊ से पुरातत्व विभाग की टीम भी आई लेकिन खाली हाथ लौटना पड़ा। आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक रविवार 15 नवंबर की रात गांव के खेत में खुदाई की जा रही थी। मिट्टी को जब ट्रैक्टर ट्रॉली में लादकर ले जाया जा रहा था तभी कुछ मिट्टी सड़क पर गिर गई। इसी दौरान लोगों को सिक्के दिखाई दिए। बताया जा रहा है कि सिक्के दो या तीन ही थे। इसके बाद गांव के लोग खेत की ओर दौड़ पड़े। काफी देर तक खुदाई चली लेकिन कोई खजाना नहीं मिला। सोमवार सुबह पुलिस तक बात पहुंच गई। पुलिस ने खेत मालिक और तमाम लोगों से बात की लेकिन लोग सिक्के मिलने की बात से ही मुकर गए। हालांकि मीडिया के पास दो सिक्कों के फोटो पहुंचे हैं, इनमें से एक सोने का और दूसरा चांदी का बताया जा रहा है। अखबारों में छपी खबरों के मुताबिक खेत के मालिक ओम सिंह ने ये तो कहा कि सिक्के मिले हैं लेकिन कितने ये बताने से मना कर दिया। गांव के प्रधान राजकुमार ने भी कहा कि सिक्के मिलने की जानकारी तो है लेकिन उन्होंने खुद सिक्के नहीं देखे। अफवाहें तो यहाँ तक हैं कि खेत मालिक और मजदूरों को काफी सिक्के मिले हैं जिनका वजन 2 से 2.5 किलो तक है। सिक्के मुगल कालीन बताए जा रहे हैं जिन पर अरबी या फारसी में कुछ लिखा है। आज तक के स्थानीय संवाददाता शरद मलिक के मुताबिक लखनऊ से पुरातत्व विभाग की एक टीम भी गांव आई। टीम के साथ लखनऊ से आए डीबी गर्णक, शामली SDM, खनन अधिकारी और पुलिस अधिकारी भी थे। काफी देर तक टीम अलग अलग तरीके से जांच करती रही लेकिन उसके हाथ कुछ नहीं लगा। कोई ऐसा सबूत नहीं मिला जिससे सिक्कों की बात सच साबित हो सके। लोगों का कहना है कि सोने और चांदी के सिक्के मिलने की बातें सुनी जा रही हैं। फोटो भी वायरल है लेकिन इनको किसी ने देखा नहीं है। हो सकता है कि फोटो फर्जी हो। पुलिस अब ये जांच कर रही है कि आखिर ये तस्वीरें कहां से शेयर होनी शुरू हुई और किसने इन्हें फॉरवर्ड किया। आपके लिए खबर लिखी हमारे साथी वरुण ने। मेरा नाम है दिव्यांशी और आप देख रहे थे दी लल्लन टॉप। शुक्रिया। अब रोज दोपहर 12 बजे लल्लन टॉप लाएगा मैटनी शो, सिनेमा का कंप्लीट शो जहां सनसनी नहीं सेंस होगा। सोमवार बॉलीवुड किस्से, फिल्म और फिल्म वालों की दिलचस्प कहानी। मंगलवार लल्लन टॉप अड्डा, चौचक बैठ की हेडलाइंस बनाने वाले हीरो हीरोइन डायरेक्टर के साथ। बुधवार कहां गए ये लोग जो कभी स्टार थे अब लगता है कि गुमनाम है, उनकी खोज खबर। गुरुवार भारत टॉकी, बेस्ट ऑफ रीजनल सिनेमा क्योंकि हिंदी के बाहर भी जाबड़ फिल्में बनती हैं। शुक्रवार स्पॉटलाइट, हफ्ते की सबसे बड़ी सिनेमा न्यूज के हर एंगल पर फोकस। शनिवार को होगा बर्गर, फिल्मों के महारथियों से तसल्ली से लंबी बात सुकून और समझ के साथ। और रविवार को होगी सिने वेला, वेला यानी की पीरियड, कक्षा, क्लास। ये क्लास लेंगे लल्लन टॉप के सिनेमा एडिटर गजेंद्र। क्लासिक फिल्मों और सिनेमा पर इसके हर पहलू पर विस्तार से बात होगी। तो रोजाना दोपहर 12 बजे देखिए लल्लन टॉप का मैटनी शो।